एक दफ़ा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे और सामने से हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। आपने उनको देख के फरमाया, ये मेरे अमामू हैं, ऐसा किसी का मामू हो तो मुझे दिखाए। यानी इससे पता चलता है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अपने मामू से कितनी मोहब्बत थी। मैं भी पीता हूँ माशाल्लाह से। यहाँ पे देखें सारे लोग जो हैं वो तबरक जो है ले रहे हैं, तो हम क्यों ना लें। सीधे हाथ तंगी सा लेते हैं। गाइस ये है जी आपके सामने सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मजार भी यहीं पे मौजूद है और आप इसी नाम से मस्जिद भी बनाई गई है। सिटी है जी क्वांगचू और सूबा है जी क्वांगतोंग। आप देख सकते हैं सड़क के ऊपर ही जो है ना मजार अपना मस्जिद बनाई गई है। अंदर आपका हजरत सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका मजार भी अंदर ही है। तो चलते हैं मजार में भी और मस्जिद भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज यहाँ पे जुमे का दिन है और जुमे की नमाज 1 बजे होगी इंशाल्लाह। और आपके बारे में जो है ना थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अभी मजार शरीफ पे अब पहुंच के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जी जफर और आप देख रहे हैं जफर खान व्लॉग चैनल। आज मैं इंतहाई एक्साइटेड हूं क्योंकि चाइना के अंदर सहाबी रसूल का मजार हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के मजार के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। आपका मजार जो है चाइना में है, चाइना की सिटी है क्वांगचू और सूबा है जी क्वांगतोंग। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के मामू हैं। एक दफ़ा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे और सामने से हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। आपने उनको देख के फरमाया, ये मेरे अमामू हैं, ऐसा किसी का मामू हो तो मुझे दिखाए। यानी इससे पता चलता है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि बारिक वसल्लम की अपने मामू से कितनी मोहब्बत थी। तो मैं आज आपके मज़ार के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जुमे का दिन है, साथ मस्जिद भी है, जुमा भी अदा करेंगे और यहाँ पे कुआं भी है, तो वहाँ से सवाब के नियत से पानी भी पियेंगे। मैं नहीं कहता वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे नो प्रॉब्लम, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को ये पता चले कि चाइना के अंदर भी सहाबी रसूल का मज़ार है। तो चलते हैं जी, लेट्स गो टू द मज़ार। और यहाँ पे है जी मज़ार का दरवाज़ा हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके मज़ार शरीफ पे चलते हैं। देख सकते हैं ये हॉल है, तो चलते हैं मज़ार में। ठीक है, रंगी से दरूद पाक पढ़ें क्योंकि आप जो हैं वीडियो के थ्रू और मैं जो है हम जा रहे हैं इस वक्त सहाबी रसूल जो हैं आपके मज़ार शरीफ पे सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। यहाँ पे जो हैं पूरी दुनिया से जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, मज़ार पे हाज़री देते हैं। पाकिस्तानी भी हैं, बाकी दूसरे ममालिक के लोग भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सारे जो है ना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये देखें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में जो है ना मज़ार शरीफ पे हाज़िर होते हैं ना, तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। और यहाँ पे और ये बुज़ुर्ग जो हैं ये तबरक तकसीम कर रहे हैं। देखें खजूरों का जो है ना तबरक वो तकसीम कर रहे हैं। चलते हैं अंदर, दुरूद पाक पढ़ें सारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला। आप जैसे
गाइज अभी है कि जुमे का टाइम होने वाला है तो मज़ार को जो है बंद कर रहे हैं, कहना है कि जी जाके जुमा पढ़ें, 1 बजे जुमा है, 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं चलता हूँ जुमा पढ़ता हूँ, उसके बाद इनसे पूछ के फिर कुएं पे जाएंगे, हो सका तो वहाँ पे सवाब की नीयत से पानी भी पियेंगे, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये ना जो है सबको कह रही है कि जो जुमे का टाइम है मज़ार को जो है ना ये बंद कर रहे हैं, देखो बल्कि इसने बंद कर दिया, मुझे अभी यह है कि मेरे लिए खोलेगी और मुझे गुजार देगी बाहर, से अदा किया है और मैं निकल आया हूँ बाहर। अब हम जा रहे हैं जी मस्जिद, मस्जिद बिल्कुल साथ ही है यहाँ पे। अज़ान होने लगे, जुम्मा जुम्मे की नमाज होने लगी है, अज़ान हो रही है, जल्दी से चलते हैं, देखिए कितना रश है। देखिए कितनी प्यारी जगह है यहाँ पे ना, सारे लोग जुमे के लिए नमाज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे सारी दुनिया से जो लोग आए हुए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, यमन सारे। देखिए माशाल्लाह से जुमे की नमाज़ हमने मुकम्मल कर लिया और ये बुज़ुर्ग जो हैं खजूरें यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं, तबरक तकसीम कर रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे भी देखें जो है ये न्याज तकसीम कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं ये सोन हलवा है, माशाल्लाह इनके पास सोन हलवा है, खाते हैं आप दीजिए जान बनाए। हाँ जी मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत दुबले हो रहे हैं आप। हाँ जी थैंक यू सो मच। ये है जी कुआं, बिल्कुल कुएं के ऊपर जो है नलका लगाया गया है, आप देख सकते हैं, और ये सहाबी रसूल जो हैं उनकी याद में 1300 साल पुराना जो है ये यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे इनकी हिस्ट्री भी है, अब इसे मैं शेयर करता हूँ, इनकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये देखें 1300 साल पुराना है और असहाबी रसूल जो है उनकी याद में यहाँ पे कुआं लगाया गया है। क्वांगचू जो है ना इसमें फॉरनर्स बहुत ज़्यादा हैं,
कैन यू गिव मी वन ग्लास, मैं भी पीता हूँ माशाल्लाह से। यहाँ पे देखें सारे लोग जो हैं वो तबरक जो है ले रहे हैं, तो हम क्यों ना लें। सीधे हाथ तंगी सा से लेते हैं। से ज़्यादा हो गया ना, मैंने पिया नहीं अभी, ज़्यादा ही। ये है जी ग्लास माशाल्लाह से, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रश है, काफ़ी लोग जो हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे आके पानी पी रहे हैं एज ए अतबरुक। और मेरा ग्लास ये देखें। और ये थी गाइस आज की वीडियो, इंतहाई सुकून है यार मज़ार के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत मज़ा आया, दिल नहीं कर रहा यहाँ से अपना जाने को, लेकिन यह है कि तड़प होनी चाहिए ताकि आप दोबारा भी जो है इसी तड़प से वापस आएँ। तो मज़ा आया यहाँ पे आके। आप जब भी कभी चाइना में आएँ तो कोशिश कीजिएगा कि क्वांगतोंग जो है सूबा है, क्वांगचू सिटी है, यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर है जी मज़ार हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।